देवेश कुमार, मैम मेरे ब्रदर की एक प्रॉब्लम है, उनको अचानक कभी कभी दौरा पड़ने लगता है लाइक मिर्गी। इसमें सिर्फ वो कुछ बड़बड़ने लगते हैं या प्रॉब्लम उनको बचपन से है? बहुत जगह दवाई हुई, एम्स से ले के हरिद्वार तक, लेकिन महीने में एक बार दौरा पड़ जाता है। बट एज 30 ईयर्स है, लेकिन वो फिजिकली बहुत फिट है, उनको दौरा 3 मिनट में ठीक हो जाता है। देखिए देवेश जी, आपने कौन कहा ब्रदर, आपके ब्रदर को एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है। एपिलेप्सी कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन इसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ईईजी कराया होगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, तो उस रिपोर्ट में क्या आया है? आई एम श्योर एपिलेप्सी ही आया होगा, क्योंकि ये आपने जो सिम्टम्स बताए ये क्लासिक सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन इसका परमानेंट इलाज नहीं है। इसका परमानेंट इलाज के लिए आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है, लेकिन वो मेडिसिन एकदम सेफ है। उसके मिनिमम से मिनिमम एब्सोल्युटली नो साइड इफ़ेक्ट्स है। वो मेडिसिन को आपको मिनिमम डोज में कंटिन्यू रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इस तरह के दौरे नहीं पड़ेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि महीने में एक ही बार दौरा पड़ता है और ऐसा होता है तो उसमें क्या है, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि अगर उनको समझो, अगर वो बाइक पे है या कहीं रास्ते पे है, रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, उस वक्त अगर उनको दौरा पड़ गया तो उसकी वजह से अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो मोस्टली जो मिर्गी यानी एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डेथ जनरली इसकी वजह से होती है। मेरे एक्चुअली 2-3 पेशेंट्स हैं जो एपिलेप्सी के पेशेंट हैं, उसमें से एक पेशेंट के बारे में मैं बहुत सारे मेरे लाइव क्लिनिक्स में भी बताती हूँ। 32-year-old लेडी है, मदर ऑफ 2 है, उनको 2 बच्चे हैं, उनकी डिलीवरी वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 13 साल की उम्र से एपिलेप्सी की दवाई ले रही है, लेकिन उसको कोई भी तकलीफ नहीं है, अभी भी वो दवाई चल रही है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जनरली हम लोग वैलप्रोइक एसिड देते हैं, फिनोबार्बिटोन्स देते हैं, इसके साथ साथ कार्बामेज़ेपिन देते हैं, बहुत ही फेमस जो मेंटेनेंस मेडिसिन जो हम लोग स्टार्ट रखते हैं एपिलेप्सी के लिए वो है फेनेटोइन सोडियम। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि अगर आपको डॉक्टर ने कोई मेडिसिन स्टार्ट की होगी तो प्लीज़ उनको स्टार्ट कर दीजिए। जब हम स्टार्ट करते हैं मेडिसिन तो 2-3 अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती है, उसके बाद एक मेंटेनेंस डोज स्टार्ट हो जाता है, वो जनरली फेनेटोइन सोडियम होता है, और वो मिनिमम डोज में हम लोग ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग चालू रखते हैं, कम से कम 10 से 15 साल तो रखते ही है। लेकिन इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। कई बार हम लोग कैसे है कि विटामिन की कुछ गोली लेते हैं, किसी को हैबिट हो जाती है, तो इस तरह से ही वो दवाई लेनी है, लेकिन बिलीव मी वो दवाई से उनकी जान बच सकती है। ओके, तो प्लीज़ आप अंधविश्वास और घरेलू नुस्खे और यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट मत कीजिए, फटाफट से उनका इलाज स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी उम्र में आप स्टार्ट कर सकते हो और उससे उनको अच्छा इफेक्ट होएगा। तो एपिलेप्सी की मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऑलराइट।